दसवें पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह ने जिहड़ा जफरनामा लिखा सीगा इस स्थान तो लिखा सी जी, जिहड़ा दीना और कांगड़ जलाल दयालपुरा भाई का ते पदौड़ इस इलाके दे विच जिहड़ा गुरु साहब करीबन 3 महीनों के करीब गुरु साहब का समा बीतदा है जी। जफरनामा एक जगह पर नहीं लिखा गया, इतिहासकार कहिंदे जी मौके दे जिहड़े सीगे जी इह इलाके दे जिहड़े सरमाएदार सीगे जी भाई जोध राय सीगे जिहड़े ते उन्हां पुत्तर लखवीर ते शमीर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो संगत जी, इस समय पहुँच चुके आपां पिंड दयालपुरा भाई का। इत्थे दसम पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की चरण छोह प्राप्त ये गुरद्वारा साहब है जी, और जिसनों जफरनामा साहब गुरद्वारा जाने जाते जिथे दसवें पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह ने जिहड़ा जफरनामा लिखा सीगा इस स्थान तो लिखा सी जी। आओ तुहानूं इस दे इतिहास बारे जानकारी दिंदे हाँ जी, और गुरद्वारा साहब के दर्शन कराते हाँ जी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों माछीवाड़े तो चल के अगे नगर के जो आलमगीर साहब आते हैं, आलमगीर तो गुरु साहब अगे पिंडा के होंदे हुए जिहड़े आए सीगे जी। जदों आलमगीर तक तो गुरु साहब उच्चदा पीर बन के आए सीगे जी। उच्चदे पीर तो बाद गुरु साहब नूं भाई नगाइया जी ने घोड़ा भेंट किया। उस तो बाद गुरु साहब अगले पिंडा विच पहुँचते हैं। अगले पिंडां दे विच जदों चलदे गुरु साहब पहुँचते हैं जी, हेरां दे विच मोही दे विच ते उन्हां इलाके दे विच जिहड़ा लम्मे जट्टपुरा रायकोट मधे इन्हां विच 21 दिनां दे करीब गुरु साहब समां बीतदा। गुरु साहब जी 21 दिन गुरु साहब उन्हां इलाके दे विच रहिंदे हन जी। उस इलाके दे विच 21 दिनां तों बाद गुरु साहब इस जिहड़ा दीना और कांगड़ जलाल दयालपुरा भाई का ते पदौड़ इस इलाके दे विच जिहड़ा गुरु साहब करीबन 3 महीनों के करीब गुरु साहब का समा बीतदा है जी। तो इत्थे गुरु साहब जिहड़ा अमृत का बाटा तैयार करते हैं मालवे के इलाके दे विच। पहला जिहड़ा अमृत संचार जिहड़ा इस इलाके दे विच हुंदा जी, और गुरु साहब इत्थे जिहड़ा फौज तैयार ने पहला सिंघां दे विचों जिहड़े गुरु साहब की फौज सी उहदे विचों 3 सिंघ रह गए सन जी, 2 प्यारे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह और भाई मान सिंह जी। वो 3 सिंघां तो बाद गुरु साहब इस जगह दे आके जिहड़ा अमृत संचार करते हैं जी। जिहड़ा खालसे की फौज तैयार होंदी है जी, तो उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस जगह दे उपर जिहड़ा जफरनामा लिखा जाता जी। इस इलाके दे विच जिहड़ा मतलब जफरनामा एक जगह पर नहीं लिखा गया, इतिहासकार कहिंदे जी बहुत वड्डी जिहड़ी एक कलम सी हो जां शब्द सी हो बहुत छोटी गल नहीं सी जिहड़ा जफरनामा लिखा सीगा इस थान ते उपर। और दयालपुरा भाई का इस ला मतलब फिर उस तो बाद दीना कांगड़ जिथे जिथे महाराज के चरण पे जी, और जलाल इन्हां पिंडां दे गुरु साहब करीबन 3 महीनों के करीब इत्थे रहे सीगे। और इस जगह दे उपर गुरु साहब ने और इस जगह पर गुरु साहब ने जिहड़ा लिखा सीगा जफरनामा तुहानूं दर्शन कराउंदे हां जी। ये उह स्थान है जिथे इलाका सीगा जिहड़ा ये मौके दे जिहड़े सीगे जी ये इलाके दे जिहड़े सरमाएदार सीगे जी भाई जोध राय सीगे जिहड़े ते उहनां पुत्तर लखवीर ते शमीर ये उह सीगे जी। इन्हां एरिए दे विच गुरु साहब आए सन जी, ते इस स्थान दे उपर गुरु साहब ने जफरनामा लिखा। और भाई दया सिंह ते धर्म सिंह नूं देख के जिहड़ा औरंगाबाद दे विच उत्थे भेजा सी, और उस दे विच जिहड़ा सीगा जी औरंगजेब नूं लानता पाईआं गईआं सीगीआं जिहड़ियां कुरान दे मुदस्सस दे मतलब जिहड़ा उस दी जिहड़ी शरअ तो उहने अगे जा के जिहड़ा इह कम कीते सीगे, ते उस नूं जिहड़ी है मतलब जिहड़ी गुरु साहब ने जिहड़ा लिखिआ सीगा जफरनामे दे विच जिहड़ियां लानता पाईआं सी उहदे विच जिहड़ा उस नूं शर्म दे राहीं उहने शर्म महसूस कीती। उस तों बाद उस दी जिहड़ी मौत हुंदी है जी जफरनामे दे विच। आओ तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन कराउंदे हां जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈ ਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸੀ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਵਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚਰਨ 'ਚੋਂ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲਿਖਣਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਲਮ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਜੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।